बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। आपने बहुत सारे पुलिस वालों को गरीब लोगों पर रौब झाड़ते हुए देखा होगा, लेकिन एक एडिशनल एसपी को सिविल ड्रेस में रोड किनारे युवाओं को उनके काम के लिए शाबाशी देते, प्रोत्साहित करते हुए नहीं देखा होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो पुलिस अधिकारी अपने रौब के लिए जाने जाते हैं, पुलिस से एक आम आदमी डरता है, पुलिस वाले की कड़क आवाज़ सुनकर आम आदमी घबराता है, लेकिन एक युवा जो सिविल लाइन एरिया में निमाड़ नर्सरी के पास नगर निगम के सामने एक बल्ब बेचने का काम कर रहा था, एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार जो खंडवा ग्रामीण एडिशनल एसपी हैं, वह अपनी गाड़ी साइड में लगवा कर उस युवक के पर पहुंचे। वह युवक बल्ब बेच रहा था, उन्होंने बल्ब की सबसे पहले विशेषताएं उससे पूछी। लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से बल्ब के बारे में कन्विंस कर रहा था और वो बता रहा था कि उसका बल्ब क्यों बेहतर है और उन्हें यह बल्ब क्यों लेना चाहिए। एडिशनल एसपी उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे वेल्डन कहा। युवक की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी। एडिशनल एसपी ने उसकी तारीफ की कि जब उन्हें पता लगा कि उसे जॉब ट्राई करने के बाद जॉब नहीं मिली और उसके परिवार की उस पर जिम्मेदारी है, जॉब जो मिल रही है वो कम की मिल रही है, ऐसे में उसने अपना काम करना बेहतर समझा और उसने कनोपी लगाकर जगह जगह बल्ब बेचने का काम शुरू किया और सस्ते रेट में यह बल्ब वह लोगों को उपलब्ध कराता है, गारंटी वारंटी रहती है। उसके समझाने की शैली से और मेहनत करने की बात को लेकर ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी काम में कोई शर्म ना होने की बात कहकर जो लड़का अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था उससे वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे बल्ब भी खरीदा और उसे शाबाशी भी दिया। वैसे अक्सर आप एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार को जब देखेंगे तो वह बुधवारा में चुपचाप अपनी गाड़ी सिनेमा चौक पर लगवाकर एक आम आदमी की तरह सब्जी खरीदते नज़र आते हैं, कॉमन मैन की तरह अपने घर के लिए शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। कहीं भी वह ये नहीं बताते कि वह एडिशनल एसपी हैं और आज भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठे तो युवक को पता लगा कि वह एडिशनल एसपी हैं। वह भी खुश हुआ कि उनकी दुकान पर एडिशनल एसपी आए और उनकी तारीफ की। इस खबर को दिखाने के दो उद्देश्य हैं, एक तो ये कि कोई भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए जो ईमानदारी का हो और जिससे आपका घर चल सकता हो, जीवन यापन किया जा सकता हो, इसलिए कोई भी काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर जॉब नहीं मिल रही तो रोड किनारे इस तरीके से बल्ब बेचकर भी घर चलाया जा सकता है, कोई पैसे देने नहीं आता, ज्ञान देने दुनिया आती है। तो इस युवक ने भी ऐसा किया और इसकी तारीफ एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार ने भी की। दूसरी बात यह है कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो थोड़े से भी सफल होते हैं तो उनके पैर धरती से कई फुट ऊपर उड़ जाते हैं और वो अपने पुराने साथियों, रिश्तेदार और समाज के लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करते, घमंड में बात करते हैं, अकड़कर बात करते हैं, अहंकार दिखाते हैं। लेकिन ऐसा अहंकार अक्सर एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार और इन जैसी अच्छी सोच वाले अधिकारियों में नहीं देखने को मिलता। जब ये कॉमन मैन की तरह रोड पर शॉपिंग करते नज़र आते हैं, मार्केट में कहीं भी एडिशनल एसपी का अपना प्रोफाइल नहीं बताते और बकायदा सबको उनका पे करके उनको सम्मान देकर आम आदमी की तरह शॉपिंग करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि क्यों ये एडिशनल एसपी हैं और क्यों इस तरीके के लोग आगे बढ़ते हैं जो सफलता पाकर अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते और सबसे व्यवहार अच्छा रखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फिर इसको बदलेंगे कहाँ, तो जैसे आज